नमस्कार, मैं प्रशांत कनौजिया, द वायर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ दिल्ली के वुमेंस प्रेस क्लब में हूँ, जहाँ हम एक रिपोर्ट पर बात करेंगे कि 2017 में पूरे भारतवर्ष में लगभग 260,000 से ज़्यादा लोग बेघर किए गए हैं सरकार द्वारा उबिस जबरन। हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ शिवानी चौधरी हैं, जो कि हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क की डायरेक्टर हैं, और हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने आज ये रिपोर्ट पेश की है जो बहुत सारे पहलुओं पर नज़र डालता है कि किस तरह सरकारें विकास के नाम पे और वाइल्ड लाइफ को बचाने के नाम पर गरीबों को किस तरह से उखाड़ फेंकती है, और शहर से ये जो शहर है जिसमें इन गरीबों का भी योगदान है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको एक धब्बे के रूप में देखा जाता है, और उन्हें जब निकाल दिया जाता है तो वो कहाँ जाएंगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इन पर बात करेंगे। शिवानी जी, इस पूरे रिपोर्ट को आपने पेश किया है, इस रिपोर्ट के बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता सकते हैं क्या है ये रिपोर्ट? तो हमारा जो संगठन है आवास और भूमि अधिकार संगठन, तो पिछले 3 साल से हमने ये शुरू किया है प्रयास की जो जबरन बेदखल चल रही है देश में, इसका कहीं पे आंकड़ा नहीं है। और जब भी हम सरकार को पूछते हैं तो बोलते हैं हम लोगों को जबरन नहीं हटाते हैं, उनका हम पुनर्वास करते हैं। पर रोज हमें खबरें मिल रही है एक एक जगह से, शहर में और गांव में, दोनों जगह में, कि लोगों को जबरन हटाया जा रहा है। सो हमने ये आंकड़ा इकट्ठा करना शुरू किया है, और पता लगा है कि 2017 में 54,000 के करीब घर सरकार ने तोड़ी है, और लगभग 2.6 लाख लोग को सरकार ने जबरन अपने घरों से निकाला है। और फिर भी ये जानकारी सिर्फ जो हमें मिली है, पर देश के कोने कोनों में लोगों का घर टूट रहा है, लोग बेदखल हो रहे हैं, मीडिया नहीं रिपोर्ट कर रही, और जहां हम पहुंच नहीं है हमारी, तो उस खबर को हम इस रिपोर्ट में नहीं शामिल कर पाए। तो हमारा जो अंदाज है कि इससे शायद 2-3 दुगुना होगा शायद ये। सर, आपने जो आंकड़े पेश किए उसमें देखा जा रहा है कि 46% जो रिकॉर्डेड एविक्शंस हैं वो ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, मतलब शहर को सुंदर बनाने के नाम पर। तो ये कौन सा शहर है, ये कैसा सुंदर शहर है जहाँ गरीबों को जगह नहीं है? बिल्कुल, यह एक बहुत हमें लग रहा है कि लोगों को सड़कों पे आना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि ये जो सरकार की मानसिकता है कि जो सुंदर बनाना है उस पर गरीब नहीं होंगे, ये किस किस्म की नीति है, किस किस्म की सोच है, ये हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, और जो भारत देश बना है उसके खिलाफ है, जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है हमारे देश का। तो मेरा ख्याल ये हमें बहुत बहुत दुख दे रहा है कि आप लोग जो शहर बनाते हैं, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अगर सब ये लोग एक दिन भी काम करना बंद कर दे तो शहर बंद हो जाएगा, शहर नहीं चल पाएगा। तो आप उनसे काम ले रहे हैं, उनको मेहनत से इतना परेशान कर रहे हैं, पर उनको शहर में रहने नहीं दे रहे हैं। और ये सौंदर्यकरण शब्द भी बहुत ही हमें चिंता दे रहा है कि ये कैसा शहर है, किसके लिए शहर है। और हम लोग यही कहते हैं कि मानव अधिकार का सोच होना चाहिए, संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसका सरकार बहुत ज़बरदस्त तरीके से उल्लंघन कर रही है। और ये जो स्लम क्लियरेंस और जो स्लम फ्री सिटी स्कीम चल रहा है, इसका यही सोच है कि जो झुग्गी है ये बहुत ख़राब है, झुग्गी में रहने वाले लोग खराब है, इसलिए उनको हटाया जाए। तो हम देख रहे हैं कि गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को हटाया जा रहा है, और इसका हम बिल्कुल बहुत स्ट्रांग तरह से इसका खिलाफ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने वादा किया है कि 2022 तक देश में सभी लोगों को घर मिल जाएंगे। आप जो आंकड़े मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ये मिनिमम आंकड़े हैं, मतलब बहुत ये रिकॉर्डेड हैं, अनरिकॉर्डेड कितने सारे होंगे, और न जाने भारत देश में जो रूरल इलाके हैं वहाँ मीडिया भी नहीं पहुँचती, कोई भी नहीं पहुँचता, तो खबरें बाहर भी नहीं आ पाती। तो इतने लोगों को जब बेघर कर दिया जाएगा, और आपने जैसे बताया कि अब जो गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंगली 6 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो सकते हैं, तो ये 2022 वाला किस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2022 में सबको घर मिल जाएगा, जबकि इतने लोग आज भी बेघर हैं, और 1.5 लाख से ज़्यादा, मुझे पता चला कि 1.5 लाख से ज़्यादा दिल्ली में ही हैं। तो आप भारत देश को जब देखते हैं तो वो करोड़ों में पहुंच सकती है वो संख्या। ये जो नीति है सरकार की, ये ज़्यादा बस कागजी है, और बस वो लोग आंकड़े के बारे में ही बातें करते रहते हैं, असलियत से ये बहुत दूर है। एक तो जो सबसे बेघर है, जो सबसे गरीब है, जो सबसे जिनको घरों की ज़रूरत है, वो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना उस स्कीम में नहीं आते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो बार बार हमें सुनने को मिलता है, इसका कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं है, सरकार ने नहीं ठीक ढंग से समझाया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग किसके लिए है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम में जो घर बन रहे हैं, ये ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोग के लिए है, जो सबसे गरीब है उनकी पहुंच से बाहर है।
और जो सबसे हमारे जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि 2.6 लाख लोग अगर बेघर हुए हैं या उनका विस्थापन हुआ है पिछले एक साल में, और सिर्फ 2.6 लाख घर लोगों को मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो इसका बैलेंस आप देखेंगे तो जीरो ही हो जा रहा है। हाँ। तो हर घर जो सरकार टूटती है ये प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसके लिए नियम निर्धारित किए हैं, गाइडलाइंस निर्धारित किए हैं। इसका सलूशन क्या हो सकता है? जैसे कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं कि इनको एविक किया जा रहा है विकास के नाम पे, जो कि ये विकास का एजेंडा तो पहली बात तो एक सवाल खड़ा करता है कि इस विकास के एजेंडे में क्या देश का बहुसंख्यक नहीं आता जो गरीब है और जो खाने के लिए मर रहा है? क्योंकि अगर आप देश के किसानों को भी देखें तो उनकी आज इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार उनकी जो आमदनी है वो 20,000 रुपये सालाना है, यानी 1700 रुपये से भी कम। तो सर, तो अफोर्डेबल हाउसिंग दिल्ली में आप जाके देख लीजिए, दिल्ली में घर आप आज लेने जाइए, आपको झुग्गी भी उतने लाख में नहीं मिलेगी जितनी की बात कर रहे हैं ये। तो ये जो मैं चाह रहा हूँ आप इस पर सोल्यूशंस बताएं, क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे थे कि हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे स्टे ऑर्डर दिए हैं लेकिन रीस्टोर ऑर्डर नहीं दिया है। घर तोड़ रोकने का ऑर्डर है लेकिन उन्हें वापस बनाने का या फिर किसी ऑफिशियल पे कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसके सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो पहली बात ये है कि जो आवास एक अधिकार है, मानव अधिकार है, और संयुक्त राष्ट्र के बहुत सारे कानून है जो भारत ने साइन किया है, हस्ताक्षर किए हुए उन पे, तो उनका क्रियान्वयन करना जरूरी है देश में। लेकिन यहाँ पर सरकार नहीं समझती कि गरीब लोगों के पास अधिकार है। संविधान सिर्फ कुछ क्षेत्रों के लिए, कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है इस देश में। तो जो संविधान है वो बहुत एक अच्छा है हमारे पास कानून, लेकिन रोज उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो पहला तो संविधान का क्रियान्वयन करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करना चाहिए देश में, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भी बनी हैं कि अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट के लिए भी अगर हटाना है तो एक नियम से करना चाहिए, पहले लोगों की राय लेनी चाहिए, उनको सूचना होनी चाहिए, सूचना का अधिकार है लेकिन उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो पहले तो बहुत सारे हमारे पास सुझाव है पर सरकार नहीं सुन रही। और पहले तो ये है कि सरकार को घर बना के भी देने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपनी मेहनत से अपने खर्चे से घर बना रहे हैं, तो एटलीस्ट वो जो घर बनाए हैं 5 से 10-20 सालों की आमदनी इकट्ठा इकट्ठा करके, तो वो घर तोड़ना तो नहीं चाहिए। और जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनको पानी दीजिए, सुविधाएं दीजिए, शौचालय दीजिए। अभी आप स्वच्छ भारत मिशन की इतनी बातें कर रहे हैं पर अगर जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पर आप उनको साफ सफाई की सुविधाएं नहीं देंगे, फिर आप बोलेंगे कि गरीब लोग गंदगी फैला रहे हैं, तो क्या कैसे हो सकता है कि जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं हैं शहर में भी, पर जहाँ गरीब लोग हैं वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है। कॉलोनी को आप गैर कानूनी बुलाते हैं, बहुत आसानी से सरकार लोगों को गैर कानूनी बुलाती है, लेकिन उनके जो तरीके हैं बुलडोजर चलाना बिना नोटिस के, बिना चर्चा किए, वो सब गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी कौन है ये भी पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जो इस देश में रहता है वो गैर कानूनी नहीं है, वो कानूनी इंसान है, और इंसान होने के नाते हम हर एक को मानव अधिकार है जिसकी रक्षा करना सरकार का दायित्व है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी हमसे बात करने का। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है और मैं इनके जो सर्वे है उसके अनुसार भारत में हर घंटे में 30 लोग बेघर कर दिए जाते हैं और हर रोज़ 147 घर बेघर कर दिए जाते हैं। और सरकार भाषण देना तो अच्छा लगता है, सफाई जैसे स्वच्छ भारत अभियान की बात हो रही थी, तो सिर्फ सूखे पत्तों को झाड़ू मारना स्वच्छ भारत अभियान नहीं होता, उन गरीबों की बस्तियों में जाकर वहाँ साफ़ सफाई या शौचालय की व्यवस्था देना, क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं ये दिल्ली में कोई शौकिया तौर पर नहीं आए हैं, इन्हें अगर उनके गाँव में रोज़गार मिला होता तो वो दिल्ली की सड़कों या बम्बई की सड़कों पर आके इस तरीके से जीवन नहीं बिताते। और जब उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ स्कूल में डाल दिया है, जब उनका घर तोड़ दिया जाता है, जब नए इलाके में जाते हैं तो वहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं मिलती है। और इस सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं वो लड़कियाँ हैं, क्योंकि ऐसे इलाके में बापरौला जो इलाका है जहाँ इन्हें रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, वहाँ आप जाकर देखिए, सरकार के लोगों को भी ये सुनना चाहिए कि वहाँ जाकर देखना चाहिए कि वहाँ कैसी व्यवस्था है, वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, ना स्कूल की व्यवस्था है ना खाने पीने की व्यवस्था है। तो इंसान को तो ज़िंदा रहना है और ज़िंदा रहने के लिए खाना और सिविलाइज बनने के लिए तो स्कूल तो चाहिए ही ना, तो सरकार अगर नहीं दे रही है तो सरकार की भूमिका पर यह सवाल खड़ा करता है। हम बात करेंगे अशोक पांडे जी से। अशोक जी लगभग दिल्ली में 18 सालों से बेघरों के लिए काम कर रहे हैं। लगभग दिल्ली में जो कठपुतली कॉलोनी तोड़ी गई, बलजीत नगर में जो डिमोलिशन का काम हुआ, साथ ही साथ
शाहदरा में शाहदरा पुल के पास जो तोड़क कार्रवाई की गई सरकार द्वारा, उनमें इतने लोग बेरोजगार हुए, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये तो वोट देते हैं ना सरकार को, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है तो वोट तो ले ही लेते हैं, तो उनको वो जो वादा किए थे मैनिफेस्टो में, जो वादा किए थे या भाषणों में जो वादा किए थे वो उन्हें दे दें तो वो शिकायत भी नहीं करेंगे। मैं अशोक जी से बात करूँगा। अशोक जी, ये जो लोग हमारे दिल्ली में या शहर में या गाँवों में या आदिवासियों को उनके ही जंगल से इनक्रोचर बोल के जो निकाल दिया जाता है, तो क्या ये लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं क्या? ये लोग सरकार किसी शहर में रह रहे हैं तो वहाँ तो इनडायरेक्ट टैक्स पे ही कर रहे हैं ना, तो यहाँ की इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन है, तो सरकार की तो जिम्मेदारी बननी चाहिए कि उनको वो सुविधा मिले जो हर एक इंसान को मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये इसके लिए बहुत अच्छा सवाल है कि जो इनक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, जिन्हें अतिक्रमणकारी कहते हैं हिंदी में शुद्ध तौर पर, तो उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी के बाद जब संविधान बना और जब ये लागू हुआ तो उसमें वो भारत सरकार, जो भी सरकार उस समय की थी, उसके और जनता के बीच का एक करार है जो ये कहता है कि आप हमें कर देंगे और उसके बदले में हम आपको सेवाएं देंगे। तो सेवाएं का मतलब वो सुविधाएं हैं, वो सर्विसेज हैं जो एक मनुष्य को, एक मानव को, एक इंसान को जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और कोई भी व्यक्ति जहाँ भी रहता है वो किसी न किसी रूप में कर देता है, टैक्स पे करता है। अगर वो माचिस की डिब्बी भी खरीदता है तो उस पर भी टैक्स देता है, वो पानी पीता है तो वो भी टैक्स देता है। दिल्ली से और मुंबई जैसे महानगरों में जो लोग बाथरूम भी जाते हैं पेशाब करने या टॉयलेट करने, तो उस पर भी वो टैक्स दिए बगैर नहीं जा सकते हैं। रोड पे चलते हैं उसका भी टैक्स देते हैं, घर में रहते हैं उसका टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, कपड़े खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं, हर जगह वो टैक्स पे करते हैं। और ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान की जिंदगी में, इंसान को जीने के लिए जन्म लेते ही और मृत्यु तक इसकी जरूरत हर रोज पड़ती है और हर रोज वो टैक्स देता है। अगर वो टैक्स दे रहा है, कर दे रहा है, और सिर्फ कर ही नहीं दे रहा है, वो अपने श्रम की सेवाएं भी दे रहा है, क्योंकि किसी भी शहर को, किसी भी देश को सबसे ज़्यादा खूबसूरत या सबसे ज़्यादा उसके अर्थव्यवस्था में अगर किसी का योगदान होता है तो ये 93% जो मजदूर वर्ग है उनका होता है। और अगर शहर से मजदूर हट जाए, ना रहें, तो आज बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े कोठियों में, बड़ी बड़ी कारों में, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठने वाले, घूमने वाले, रहने वाले ये लोग जो हैं, इवन कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनकी ऑफिस दफ्तर चल नहीं सकता है, खुल नहीं सकता है। सुबह सो के जब साहब लोग उठते हैं तो उनको अखबार चाहिए होता है, अखबार देने वाला कौन है? वही मजदूर है। उसके बाद उनको दूध चाहिए होता है, फिर साहब दूध देने वाला कौन है? वही मजदूर है। उनके घर में झाड़ू पोछा करने वाली, वो खाना बना के देने वाली, बर्तन साफ करने वाली, कपड़े धोने वाली, वो कौन है? वो वही मजदूर हैं, उसी मजदूर की बस्ती से लोग आते हैं जिसको आप अतिक्रमणकारी कहते हैं, वो वही हैं। आपके गाड़ी का ड्राइवर कौन है साहब? वो वही ड्राइवर है। जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं, जिस सोफे पे आप बैठते हैं, जिस बेड पे आप सोते हैं, उसको बनाने वाला कौन है? वही है साहब। जिस जूते को आप पहनते हैं, जिस कोट को आप, टाई को आप पहनते हैं, उसको कौन है? आपका बाल काटने वाला कौन है? तो भैया, ये नहीं चल सकता, सृष्टि ही नहीं चल सकती बिना मजदूरों के। उनकी जरूरत है, और जरूरत ही नहीं है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे देश की हो, अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि उन्हें सम्मान से जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए और दिया जाना चाहिए, सरकार को ये देना चाहिए। लेकिन ये भी एक सवाल उठता है कि जो सरकारी काम में होते हैं उसमें मजदूर आते हैं, कॉमनवेल्थ हुआ था दिल्ली में, उसमें भी मजदूर आए थे बहुत सारे लोग, उनको रहने के लिए लेबर्स की कॉलोनी बनाई गई थी। अब जो व्यक्ति किसी शहर में 5-7 साल या 8 साल रह जाएगा, उसके बच्चों, तो बच्चे वहाँ अगर फैमिली है उसकी, तो उसे स्कूल में भी दाखिला होगा, फिर उस शहर में उसने 8 साल कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि जो कमाया है उसी शहर को तो लौटाया है वापस। उसके बाद जब वो इस शहर का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि बुलाने के समय तो आपने बुला लिया, अपना काम भी करवा लिया, जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो फिर वो कहाँ जाएगा? उसको धक्के मार के निकाल देते हैं और बोल रहे हैं कि झुग्गी स्लम फ्री दुनिया होनी चाहिए, स्लम फ्री देश होना चाहिए, स्लम फ्री शहर होना चाहिए। स्लम फ्री शहर कहाँ होगा? क्योंकि हर किसी गरीब अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान्स के लिए तो सरकार ने कोई नियम तो बनाया नहीं, या कोई कानून है कि आपको कोई डेफिनेशन नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमत क्या होगी। ये तो हर जगह है ना कि कहीं 40 लाख की अफोर्डेबल हाउसिंग होगी तो कहीं 2 ही लाख की होगी, कहीं 2 करोड़ की होगी। आप दिल्ली में बहुत सारा साउथ एक्स जैसा इलाका है, वहाँ अगर 2 करोड़ है तो बहुत सस्ता घर है। तो सरकार ने पहली बात तो इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया है, और हर व्यक्ति को अपने, आप जैसे बता रहे हैं कि ये मजदूर वर्ग है, ये सब व्यक्ति को अपने घर में ये लोग चाहिए, लेकिन अपने घर के पास ये मजदूरों की बस्तियाँ नहीं चाहिए, इनकी झुग्गियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि
इससे उनके प्रॉपर्टी का कीमत कम होता है, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स बचाने के चक्कर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कितना जायज़ है? देखिए, आपने सही कहा कि कॉमनवेल्थ गेम से पहले एशियाड 1982 में हुआ था, जब लाखों मजदूर बाहर से आए थे और खेल गांव बना था, आपको पता होगा, आप देखे भी होंगे। तो ये था कि एशियाड के बाद जब खेल खत्म हो जाएगा उसके बाद उन मजदूरों को उसी गांव में बसा दिया जाएगा, तो उनको सब बसाया नहीं गया। अब जब 5 साल 7 साल 10 साल किस कहीं से आप बाहर से मजदूरों को ले आएंगे तो उनके साथ उनका परिवार आएगा, बच्चे आएंगे और बच्चे धीरे धीरे करके बड़े होंगे। अगर वो 4 साल का बच्चा लेकर के साथ में आए हैं तो अगले साल उसको स्कूल में दाखिला कराना होगा, और 7 साल का जब वो काम कर चुके होंगे, 6ठी या 7वीं क्लास में वो पढ़ रहा होगा, तो जब 6ठी 7वीं क्लास तक वो पढ़ रहा है और तब तो आपने उसे बसा दिया, तब वो अतिक्रमणकारी नहीं था, तब वो एनक्रोचमेंट नहीं था, क्योंकि आपने, आपको जरूरत थी, आपने उसे वहां पे बसाया, और आपने उसे बसाया तो उस समय आपको ये सोचना चाहिए था, और आप ये न्याय संगत भी था कि आप उसके लिए जिस समय आप उसे वहां से हट, क्योंकि 7 साल उसका गया, अब 7 साल में उसने अपने परिवार की सारी दिनचर्या सारा रूपरेखा वहां पे तय कर लिया है, तो अब तय कर लिया है तो आपके, आपको उसके पुनर्वास की व्यवस्था किए बगैर, पहली चीज तो किसी भी बस्ती को उजाड़ना जो है वो ठीक नहीं है। यही हाल कॉमनवेल्थ गेम में भी हुआ था, लाखों की संख्या में मजदूर बाहर से लाए गए थे और जिसकी बहुत सारी रिपोर्टें भी हैं। तो जितनी भी बस्तियां हैं उन बस्तियों को, मेरा पहला सजेशन यही है कि जब तक बसाने की पूरी व्यवस्था ना हो तब तक उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, पहली चीज। और ये कानून में भी है, चाहे वो DDA का हो, चाहे DUSIP का हो, चाहे दिल्ली सरकार का हो, भारत सरकार का हो, कि इनकी पुनर्वास की एक योजना, एक नीति है, उसके तहत में जब तक आप बस्तियों को बसाने की व्यवस्था ना कर लें तब तक आप, और बसाने की व्यवस्था भी कैसी कि जहाँ पे आप इनको बसा रहे हैं वहाँ पे नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों, चाहे वो यातायात का साधन हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, या पास में बाजार हो, रोजगार के अवसर हो, ये तमाम सुविधाएं, और सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पे वो एनवायरनमेंट होना चाहिए कि रात को पता लगे कि बच्चे निकल नहीं सकते दरवाजे, तो इस तरह से वो एक एक सेकंड तो इस तरह से भी जो है वो नहीं होना चाहिए, बिना व्यवस्था किए उनको हटाया नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे अशोक जी ने बताया कि राइट टू शेल्टर ये एक फंडामेंटल राइट है, और जो कोर्ट जो नोटिस दे देता है कि इन, ये डिमोलिश कर दिया जाना चाहिए, अगर वहाँ रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है, उनका पुनर्वास नहीं हुआ है, तो ये उनके राइट का वॉयलेशन है, और एक अदालत होने के नाते उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करें, और उसके राइट्स को तोड़ने का वो ऑर्डर किस तरीके से दे सकता है, ये एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन हम और भी बात करेंगे, हमारे साथ आपका नाम जान सकता हूँ मैं? देव नाम है मेरा। देव, हमें बताएंगे कि दिल्ली में, क्योंकि एक आंकड़े आए हैं 2011 का जो सेंसस कहता है कि दिल्ली के अंदर 46,000 लोग बेघर हैं, और जो दिल्ली सरकार का जो आंकड़े हैं वो 16,000 बताता है, और जो NGOs के आंकड़े हैं वो लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही आंकड़ों में कितना डिफरेंस है और कितना अलग आंकड़े हैं। सरकार, दिल्ली सरकार उसको 16,000 बताती है, 2011 का सेंसस उसको 46,000 बताता है, और NGOs को 1.5 लाख बताता है। ये क्या नियम है दिल्ली सरकार का, आप बता रहे थे अंदर, वो आप वापस बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, क्या नियम है रिहैबिलिटेट करने का C2? हाँ, दिल्ली सरकार का एक पॉलिसी बना हुआ है, उससे पहले ये जो ज़्यादातर जो घर तोड़े जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो वो DDA के ज़मीन पे हैं, या फिर रेलवे की ज़मीन, या DSIP की, तीन ज़मीनों पर ये अभी बसे हुए हैं लोग। तो अभी क्या है कि अगर रेलवे किसी का घर तोड़ता है तो डायरेक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं बना हुआ है, जिस कारण लगातार लोग बेघर होते जा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी ना होने के कारण उनका पुनर्वास नहीं हो रहा है। दूसरा है, DDA अगर किसी का घर तोड़ता है तो DDA का एक पॉलिसी बना हुआ है जो 2011 का है, वो बहुत ही गलत पॉलिसी है, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग बेघर हो जाते हैं अगर DDA अपना पॉलिसी फॉलो करता है। इससे बाद में एक DSIP का पॉलिसी 2015 में बन के तैयार हुआ है, जिसमें जो कॉलोनी है वो 2006 से पहले की होना चाहिए, और जो लोग रहते हैं वो 2015 से पहले के उसमें होना चाहिए। तो DSIP का जो पॉलिसी है वो हर एक जगह पे फॉलो नहीं हो रहा है, और DSIP का भी पॉलिसी है उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं,
जैसे कि लोगों को जब घर तोड़ा जाता है उस टाइम 5 से 6 लाख का उसका घर नष्ट कर दिया जाता है, जो उसका उनका पूंजी जो रहता है वो नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में फिर उसको नया घर प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा घर मिलता है उसके लिए, हालांकि उसका 4 से 5 क्वार्टर का जो घर होता है उसको तोड़ के उसको छोटा सा क्वार्टर दिया जाता है, जिसके लिए उसको 1,42,000 रुपये भरना पड़ता है, जो कि 42,000 रुपये भरना पड़ता है 1,42,000, वो भी एक बार में। अगर कोई स्लम्स में रहता है तो कैसे इस पैसे को अफोर्ड कर पाएगा, वो किसी भी हाल में नहीं कर पाता है। ऐसे आपका घर तोड़ दिया और आपको पुनर्वास कर रहा है तो वो कह रहा है कि 1,42,000 भरना पड़ेगा। जी, 5 लाख का एक तरफ उसका घर तोड़ दिया और नया घर प्राप्त करने के लिए उसको 1,42,000 एक बार में पे करना होगा, जो कि लोगों को बहुत ही मुश्किल है पे करना। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि लोग किसी से उधार लेते हैं या कुछ करते हैं और वो एकदम से पुनर्वास जहाँ पे होता है, जो सरकार बोलती है कि लोग चेंज होंगे, नया घर मिलेगा उनको, स्लम से हटके उनका डेवलप होगा, डेवलपमेंट की जगह और ही अनएम्प्लॉय बढ़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी ये पुनर्वास इनका चल रहा है वहाँ कोई भी रोजगार का सिस्टम नहीं है, जिससे लगातार ही लोगों का जो सिचुएशन एकदम डाउन होता जा रहा है। और जो डीशिप का दूसरा सिस्टम है कि पुनर्वास का, कि अगर कोई फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, जैसे कि एक फैमिली में एक ही घर में 5 फैमिलीज हैं, जैसे पिताजी हैं उसके 4 बेटों का शादी हो गया, 5 फैमिली बनते हैं, अगर 5ों के पास सेपरेट राशन कार्ड होगा तभी उनको अलग अलग घर दिया जाएगा, अगर सेपरेट राशन कार्ड नहीं है तो उनको अलग अलग घर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे जो रहता है उसको घर नहीं दिया जाएगा, ऐसा डीशिप की पॉलिसी जो कानून बना हुआ है उसमें लिखा है। लेकिन दिल्ली सरकार 2012 से राशन कार्ड बनाना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब 2012 के बाद में जो घर मतलब अलग हो रहे हैं, जिनका शादियां हो रही हैं और जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, क्योंकि कॉलोनियों में ज़्यादा जगह नहीं है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड पे बना पाएं, इस कारण उनको क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट फ्लोर पे बनाएंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जैसे जैसे उनकी पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं वो अपने बिल्डिंग को ऊंचा करते जाते हैं। अब दिल्ली सरकार क्या करती है, सर्वे करती है, केवल जो ग्राउंड फ्लोर पे जो रहते हैं उनका सर्वे करती है, अगर ऊपर वालों को सर्वे भी करती है तो उनको इनिजिबल ठहराती है, उनको अपात्रता ठहराती है, क्योंकि उनके पास सेपरेट राशन कार्ड नहीं है। सेपरेट राशन कार्ड ना होने का रीजन यही है कि 2012 से बंद हो गया, 2012 से राशन कार्ड बनना बंद हो गया है। इस तरह से लगातार लोगों का दिल्ली के अंदर होमलेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और दूसरा है कि एक होता है कि बिना नोटिस दिए बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां बिना नोटिस दिए घरों को तोड़ दिया और लोगों में चोटें आई हैं, उनका नुकसान हुआ है, बच्चों के किताबें और कपड़े सब दब जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में सारे लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तो दिल्ली सरकार का जो अभी गरीबों को हटाने का जो आंदोलन चल रहा है बहुत ही बुरी तरीके से चल रहा है, और इसके खिलाफ़ हमको एक ठोस आंदोलन और लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए, इसके खिलाफ एकत्रित होना चाहिए ताकि ये जो आंदोलन है इसको रोका जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर घंटे भारत में 30 घर तोड़ दिया जाता है, ये कहने को तो बहुत छोटा नंबर आपको लग सकता है, पर पूरे दिन में 147 घर तोड़ दिए जाते हैं, यानी कि आप हर परिवार एक घर में आप अगर 5 लोगों की संख्या को पकड़िए तो लगभग भारत में 1,000 लोग रोज बेघर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हम इसे यूं ही नहीं टाल सकते। हम बात करेंगे, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया, कहाँ से हैं? बपरोला से। बपरोला, मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को, बपरोला रिहाब सेंटर है, जिन्हें पुनर्वास किया जाता है उन्हें बपरोला भेजा जाता है। मैं वहीं की बात बता रहा था कि बपरोला में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं, पानी, स्कूल और साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। आप इधर आइए, आपका घर कहाँ था और तोड़ दिया गया और फिर बपरोला क्यों जाना पड़ा आपको? हम रहते थे पहले जवाहर के कीर्ति नगर में, तो वहाँ पे हमारी झुग्गियाँ टूट गई और वहाँ बापरोला में भेजे थे, तो हमने एडमिशन के लिए गए थे स्कूल में तो नहीं हुआ। और क्या बोले एडमिशन के लिए गए थे? बोले थे कि अपना स्कूल से सर्टिफिकेट लेके आओ, तो गए थे मैडम के पास, तो वो गुम हो गया था मैडम से, तो मैडम ने लिख के दिया, फिर भी नहीं एडमिशन किए। तो आपका कीर्ति नगर में यहाँ स्कूल जो था वो छूट गया, अब बापरोला में एडमिशन नहीं मिला? नहीं मिला, तो मजबूरन छोड़ना पड़ा मुझे। उतनी दूर छोड़ दिया आप? हाँ, इस उतनी दूर मम्मी नहीं भेजना चाहती थी ना, लड़की जाती इसी के कारण छूट गया। अच्छा, तो वहाँ जहाँ बपरोला है वहाँ कैसा माहौल है, मतलब वहाँ बिजली वगैरह? बिजली वगैरह तो है लेकिन माहौल वहाँ का अच्छा नहीं है, वहाँ भी स्कूल है लेकिन जंगल का इलाका पड़ता है तो बहुत कम उम्मीद है पढ़ने जाने के लिए लोगों को। अच्छा, इसी के कारण मम्मी कहती है कि कहीं अच्छा जगह देख के एडमिशन कराऊंगी तुम्हारा। तो अभी बपरोला में ही आप रह रहे हैं? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए,
ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक बच्चा अपने घर पे पढ़ रहा था, उसका घर तोड़ दिया, सरकार ने उसके घर से वंचित कर दिया, कम से कम उसे शिक्षा से तो वंचित नहीं होने देता, इस बच्ची को वहाँ एडमिशन नहीं मिला और जंगली इलाका है, सुरक्षा के पैमाने पे भी वो इलाका इतना खरा नहीं है कि वहाँ लोग अपने बच्चों को शाम को स्कूल में भेज पाएँ या शाम को इस तरीके से वो निकल पाएँ। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ क्योंकि ये बहुत बड़े आंकड़े हैं, लगभग 53,700 घर 2017 में तोड़ दिए गए थे और एक घर में कितनी परिवार रहते हैं ये अलग अलग सी बात है, किसी घर में दो परिवार रह सकता है, किसी में तीन परिवार रह सकता है। सरकारें वादा तो करती आई हैं आज से नहीं आज़ादी के बाद से भी कि ये देश गरीबों की सरकार है और ये गरीबों की सुनती आई है, पर इस देश में ये देखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो गरीब है, और अगर आप बच्चा अगर शिक्षा से भी वंचित हो जाएगा, घर से भी वंचित हो जाएगा, तो वो जाएगा कहाँ? वोट लेने के समय नेता लोग इन्हीं झुग्गियों में जाकर खाना खाते हैं और तस्वीरें खिंचाते हैं और ये दावा करते हैं कि वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जब ये गरीब अपने घर से बेरोज़गार हो जाते हैं या बेघर हो जाते हैं, और जब इनके पास काम नहीं है, पढ़ने को शिक्षा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, जब ये चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो इनके चीख को सरकार सुन नहीं रही है। ये सरकार की भूमिका पर बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल खड़ा करता है और इतने बड़े आंकड़े एक साल के हैं, 2016 के 15 के भी आंकड़े इससे कई ज़्यादा हैं, और जो फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स हैं उसमें 6 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो सकते हैं। तो क्या हम भारत को बेघरों का लोकतंत्र बनाने पर तुले हुए हैं? वायर हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशांत, नमस्कार।